दूसरे मेरे दोनों पिक्स आज के लिए हैं एनटीटीएस एंड एलटीआईएम। ये दोनों स्टेलर आउट परफॉर्मर्स हैं एंड इट इज एविडेंट। हम सब टाउटिंग कर रहे हैं पीएसयूज की, दीज आर एट न्यू हाइज वेयर द आईटी इंडेक्स हैज नॉट डन मच। तो आई वुड से दैट द बेस्ट डिफेंस प्ले वुड बी एलटीटीएस, गिवन देयर ट्रैक रिकॉर्ड, गिवन देयर एग्जीक्यूशन एंड गिवन देयर ऑर्डर बुक। एलटीटीएस कैन इजिली स्केल 57 to 58 and 5500, बट इन द शॉर्ट रन 5400 का टारगेट रखिए, 5100 का स्टॉप लॉस। दूसरा है एलटीआईएम, विच अगेन इज अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले टू आईटी एंड द वे द नैस्डैक इज परफॉर्मिंग। क्वार्टरली नंबर्स आर वेरी वेरी सुपर्ब। एलटीआईएम पे मेरा 6500 का इनिशियल टारगेट है, इट कैन इवन एक्सीड दैट। आपको याद होना चाहिए 3500-3600 पे मैं खड़े होकर बोलता था परसिस्टेंट 7000 जाएगा, आज वो 7000 नहीं 7700 हो गया। तो LTIM is one other stock which can cross that 7000 mark during this year. अभी 6500 के लिए जीजे, 6135 का stop loss है। And और आपको मैंने DCB कह दिया, ये मेरे चार themes है आपके लिए 2024 में। मैंने कल डिम्पी को 5 share कहे थे, उसमें मैं अभी भी कहता हूँ DCB Bank is a doubler और SW Solar ने अभी 18% dilution की है, 347 it has become debt free. The QIP was oversubscribed 12 times. 18 करोड़ की इक्विटी में 18% आप और जोड़ लीजिए तो 21 करोड़ की इक्विटी हो गई और 350 करोड़ की फिक्स्ड कॉस्ट है। 40,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है 2025 में, जिसमें 5,000 करोड़ का एबिटा आएगा और अभी पेरेंट कंपनी से 1 रुपए का भी ऑर्डर नहीं है। आई थिंक आर्ग्यूबली जहां तक मैंने रिसर्च की है सोलर पैनल के लिए MEP में एएसडब्ल्यू सोलर जैसा वर्ल्ड में टॉप 3 नेम्स में आता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या पॉसिबिलिटी है इन द नेक्स्ट 2-3 years कितना रिटर्न आएगा। इससे डबल से कम मत बेचना अगले साल, इस साल में 2024। ये और डीसीबी यहां से डबलर्स हैं, 25% 40% नहीं, डबलर सर।